हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्लॉग में। और इस वक्त मैं हूँ उत्तरकाशी में, यानी कि कल गंगोत्री धाम के दर्शन करने के बाद मैं दोबारा यहीं उत्तरकाशी में आ गया था। और आज मैं जाऊँगा यमुनोत्री धाम, यानी कि चौथे धाम में। और अभी तक मैं तीन धाम कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मेरा यमुनोत्री धाम के लिए यहाँ से है रास्ता 124 किलोमीटर। चलिए निकलते हैं, और ये अपना बैग और नीचे है अपनी स्कूटी खड़ी, तो निकलते हैं यमुनोत्री धाम के लिए। जो भी कुछ आगे होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। चलिए, तो उत्तरकाशी के मार्केट को छोड़ने के बाद अब अपन लोग जा रहे हैं यमुनोत्री की साइड, यानी कि मैं जा रहा हूँ यमुनोत्री की साइड उत्तरकाशी के मार्केट को छोड़ने के बाद इस वक्त। और टाइम हुआ है अभी 9 बजे, 124 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और ये आज अपना चौथा धाम की ओर, तो अभी टनल क्रॉस करने के बाद, टनल पड़ती है पीछे उत्तरकाशी में, उसको क्रॉस करने के बाद हम जाएंगे इधर रासू समथिंग, ऐसी कुछ रासू बहन है उसको बोल रहे हैं वहाँ से। तो मुझे जैसे अगर आपको पता नहीं है तो आप पूछते पूछते आराम से जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और पेट्रोल पंप तो पीछे था लेकिन वहाँ पर पेट्रोल ख़त्म था उत्तरकाशी में, तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल भराना है, उसके बाद आगे जाना है। कल वाली गलती मैं कर नहीं सकता, जो कल हो गई थी कि चलो वही चल जाएगा, आज नहीं। रिजर्व में है अपने पास 2 लीटर की बोतल है, लेकिन उसको रिजर्व नहीं रहने देंगे और उसको भराएंगे। और जस्ट मिल चुका है पेट्रोल पंप, तो यहाँ पे पहले भराएंगे हम पेट्रोल गाड़ी में फुल पेट्रोल भर दिया है गाड़ी में। और अब जा रहे हैं अपना यमुनोत्री की साइड। तो इस वक्त ये दूसरा, मतलब ये इस वाले रूट से मैं उत्तरकाशी आया नहीं था, मैं आया था दूसरे वाले रूट से उत्तरकाशी, पीछे वाले रूट से। कौन सा वो देखा होगा ना आपने, जो जंगल वाला रूट था, चौरंगी खाल वाले रूट से आया था मैं उत्तरकाशी। और ये दूसरा रूट है। स्कूटी में बाइक में एक डिसएडवांटेज है, आप धूल से बड़े सन जाते हैं, बड़ी धूल लग जाती है समर घंट पर। एडवांटेज ये है, ठीक है, सब कुछ दिखता है आपको। मिशन उत्तरकाशी में पेट्रोल पंप है, उत्तरकाशी के आगे भी पेट्रोल पंप है थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर आगे जाके, और इधर पीछे यहाँ की ज्ञान सो, ये भी उत्तरकाशी का ही इलाका पड़ता है, यहाँ भी पेट्रोल पंप है। तो कम से कम 3 पेट्रोल पंप आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर आगे पेट्रोल पंप नहीं, आगे फिर आपको वैसे ही मिलना पड़ेगा ना। जैसे और एक और टनल देखो, एक टनल पीछे थी, एक टनल ये भी है। तो उत्तरकाशी के पहाड़ ऐसा चीज़ है, यहाँ टनल की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये तो टनल तो नहीं कहूँगा इसे, टनल ही टाइप लगा लो आप, ऊपर तो हाई पूरा, इधर से बस खोल रखा है, ओपन टनल बोलेंगे ऐसा। तो ये है अपनी तो भाई कल अपनी तबीयत हो गई थी ख़राब शाम को, नहीं तो मैं कल बहुत ज़्यादा सफ़र करता, लेकिन बुखार टाइप का आ गया था, फिर सीधा रूम में गया, रूम गया फटाफट और वहीं उत्तरकाशी लेट गया। आज थोड़ा फिर बैटर कर रहा हूँ, दवाई वगैरह रखी है, आगे जगह लूँगा, चाय पीऊँगा, तो चाय नहीं पीछे होगी। और एक और बात, अभी तक यात्रा में जो मैंने एब्जॉर्ब किया है ना, साउथ इंडियंस बहुत ज़्यादा, साउथ इंडियंस इस बार यात्रा में, पहले भी यात्रा में मुझे पता नहीं, लेकिन इस बार जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई ना, मोस्टली साउथ इंडियन लोग थे बहुत। यमुनोत्री के लिए आपको ऊपर बढ़ना है, और हनुमान चट्टी दोनों के लिए, और हरिद्वार और चीज़ के लिए आपको यहाँ से आगे जाना है। ये जो जगह है इसका नाम है तरासू बैंड, यहाँ से इधर नीचे जाएंगे तो यहाँ से आप ऋषिकेश चले जाएंगे, और यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से यमुनोत्री के, तो अभी अपने को जाना ऊपर, यहाँ से छठी, ये है उत्तरकाशी से 31 किलोमीटर लगभग। और अभी तो तरासू बैंड किया क्रॉस, और जस्ट अब अपने हम जा रहे हैं यहाँ पे यमुनोत्री के लिए। तो भाई लोगों, ऐसा नहीं कि हर जगह में रोड सही है, कहीं कहीं पे रोड ख़राब भी है। और जैसे यहाँ पर ही देख लो आप, रोड का चल रहा है कंस्ट्रक्शन चल रहा है जबरदस्त। के बाद बर्मखाल का मार्केट, और ठीक है बड़ी मार्केट है ये भी काफ़ी, हालांकि अभी तक पेट्रोल पम्प मुझे यहाँ पे दिखा नहीं है, पेट्रोल पम्प शायद नहीं है यहाँ पे, लेकिन मार्केट काफ़ी बड़ी है, रेस्टोरेंट। तो अभी जब से दरासू वाला बैंड क्रॉस किया है तब से रोड की कंडीशन ज़्यादातर ख़राब ही है। ये देखिए आप, बहुत जगह में आपको रोड ख़राब मिलेगी, अभी तक वो जो स्मूथ रोड थी वो अभी तक मिली नहीं, और हल्की हल्की ही गाड़ी चलानी पड़ रही है। और ये देखिए, ये लोग यात्रा के साथ, बहुत सारे लोग अपना खाना पीना खुद लेकर चलते हैं, और काफ़ी लंबे समय बाद एक बार फिर से अच्छी रोड आती हुई, काफ़ी लंबे समय बाद।
एक बार फिर से पहुंच चुके हैं ऐसे रूप में जो बिल्कुल खाली है। खाली बोले तो यहाँ पे कोई दुकान वगैरह ना कोई मतलब नहीं है, और केवल रोड ही है, और साथ में यहाँ पे भी ज़्यादा ब्लाइंड मोड है, यानी कि आपको हर थोड़ा सा 10 मीटर बाद आपको ब्लाइंड मोड दिखेंगे। यहाँ से पठकोट है 32 किलोमीटर बाद ये घना जंगल आता हुआ जहाँ काफ़ी पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं। और इस वक्त राड़ी गांव है उसके आसपास चल रहे हैं, ये जगह है। और ठंड तो बढ़ी गई है, साथ में पेड़ पौधे हैं जो वो भी काफ़ी ग्रीन है। देखो आप जंगल देख रहे होंगे आप कितना ग्रीन है। चार धाम वाला रूट है, इस रूट में सबसे जो डेंस फॉरेस्ट मैंने देखा घना जंगल वो चोपता, देन उसके बाद चौरंगी खाल, और उसके बाद अब ये राड़ी वाला इलाका, ये थोड़ा सा है, इतना घना जंगल है देखो वहाँ पे। वाह बहुत अच्छा है, दिखाता हूँ आपको बैठ वो देखिए आप नीचे देख रहे खेत कितने मस्त खेत है, पूरा जंगल है, बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है आप कहीं दूर पता नहीं कहाँ आ गए होंगे, स्वर्ग में आ गए होंगे, जब दिख रहा होगा ना आपको तो ऐसी ब्यूटीफुल नज़ारे आपको दिखते रहेंगे। और ये पूरा घना जंगल है आगे भी देख सकते हैं। चलिए फिर इस खूबसूरती को पार करके चलते हैं। और अब भाई हल्की हल्की बारिश आने लग गई, हल्की नहीं काफ़ी मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं। और अपने पास तो है स्कूटी, अपना पोंचो निकालना पड़ेगा, निकाल दूँ क्या पोंचो देखता हूँ, तेज होगी तो निकालूंगा नहीं तो अभी रहने दो। और ये है अपना हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी में पहुंच चुके हैं। और यमुनोत्री यहाँ से जाएंगे हनुमान चट्टी, और हमको जाना है यहाँ से यमुनोत्री के लिए ऊपर वाले रूट में, तो कोई मार्केट होगी हनुमान चट्टी की। ये है ब्रिज, और यमुनोत्री यहाँ से 14 किलोमीटर यानी कि 14 से 7 काट लो तो 7, यानी कि जानकी की छुट्टी यहाँ से 7 किलोमीटर और है। एक नदी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो क्या है भैया तो मेन रिवर कौन सी है? दिग्यापो ग्लेशियर, कितना सुंदर है ना वो वाला, देखो थोड़ा सा कट तो एक अच्छी बात है। अभी यहाँ पे फूल चट्टी है, यानी कि यहाँ पे जानकी चट्टी से 2 किलोमीटर नीचे, तो यहाँ पे हवा पंचर की दुकान है भाई, वो देखो देखो पीछे, तो टेम्प्रेरी तो नहीं है, हाँ वहाँ पे है हवा भरने के लिए भी है, सब कुछ है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे है हवा पंचर की दुकान, तो इससे तो मुझे तो काफ़ी राहत मिली है, आप लोग के लिए भी सही राहत है। चलिए फिर आगे, शायद कुछ रोड ख़राब है, क्या ख़राब है वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा है, देखना है क्या है। और यहाँ से कहाँ, यहाँ से कहाँ है भाई, रास्ता यहाँ से है यमुनोत्री। और ये पुल तो दिखी गया आपको, ये पुल देखो, और ये पूरा यमुनोत्री का इलाका, जस्ट अपने दिया ये वाला होटल, साले होटल में रूम दिखाता हूँ इसके दिए अपने। और इसके 500 रुपीज़ पे किए मैंने, पर बारिश अभी इतनी हो रही है, 3 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा, पर उत्तरकाशी से चला था मैं 9 बजे, तो काफ़ी समय लग गया, 6 घंटे लग गए लगभग 124 किलोमीटर कवर करने में। लेकिन रोड पीछे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो आज यहीं उनका, कल बारिश भी है ना, और थोड़ा बारिश ने भी डिले कर दिया, थोड़ा रोड भी ख़राब थी बीच में, वहाँ पे एक जगह में रोड टूटी हुई थी, वहाँ पे JCB लगा था तो ट्रैफिक भी काफ़ी जाम था, तो इस कारण यहाँ पहुँचा। तो कल करेंगे अपनी यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू, और पैदल मार्ग यहाँ से होगा 7 किलोमीटर का, तो सुबह करेंगे यात्रा, और फिर यात्रा करके वापस आएँगे और फिर वापस निकल जाएंगे।